क्या रीजन है आपकी चाट महंगी क्यों? जो चाट की चाट बनाते बहुत महंगी है। कितनी महंगी है? कोई बोलता है वहाँ 50 रुपये मिल रही है, कोई 10 रुपये में बोल रहा है, कोई 80 रुपये में बोल रहा है, कोई 70 रुपये में बोल रहा है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी चाट महंगी क्यों है, उसका रीजन क्या है। हम जो क्वालिटी यूज करते हैं अनोखी क्वालिटी होती है हमारी। आपको क्या खाना है, मूंगफली के दाने खाना है या बादाम खाना है? एक तरफ पॉश इलाका में चाट खाना है आपको और एक तरफ टपरी पे खाना है, दोनों के रेट अलग अलग। हम भी जाते हैं 10 रुपये, हमको चाट अच्छी लगती है, खाते हैं। और वही कभी कभी जाती है तो हमारा नाड़ा नीला हो जाता है, नाड़ा उससे अच्छी बनाते हैं लोग। तो इंसान की चॉइस क्या रहती है, उसको भौंका रहता है नहीं मुझे यार बड़े होटल में जाना, 5 स्टार में जाना है, उसका अलग रहता है। तो हमारी चाट इसलिए महंगी है, लोगों को पता नहीं कि बास्केट चाट 250 रुपये में देते हैं। 250 रुपये में हमारी बास्केट चाट को 6 लोग जो है लोड जाते हैं खाने के बाद 250 रुपये में। आप बोलिए पर रेट कितना पड़ा? दही चटनी की कोई कमी नहीं, दबा के खाओ, दोबारा भी ले लो, तिबारा भी ले लो। लेकिन कमेंट करने वाले हैं कुछ भी मारेंगे, तुक्का मारेंगे, अरे नहीं यार बहुत महंगा, ये तो माला माल। तो ये भी मैं बता दूं कि मैं माला माल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बावर्ची हूँ, हमारी कोई दुकान नहीं है, सिर्फ मैं चुटकियां चलाता हूँ। और हम अपने जीवन में बेहतर से बेहतर क्वालिटी खिलाना चाहते हैं। आप अगर डालडे का चाहिए तो डालडे बना के दे दूंगा, उसका रेट अलग है, कड़वा तेल का अलग है, रिफाइंड का अलग है, देसी घी का अलग है। गुड़की खाओगे चटनी तो अलग है, चीनी की खाओगे तो अलग है, शहद की चटनी खाओगे तो अलग है। रेट सबके अलग में होंगे। जो गोलगप्पे बनाते हैं वो पहले हम भी बनाते थे नल के पानी से बनाते थे, आज वो जमाने चले गए। हमारा भी दिल करता है कि नहीं मैं बेहतर क्वालिटी बनाऊं, तो आज मैं बिस्लरी की पानी से पानी पूरी बनाता हूं। इमली है 80 रुपये किलो, आमकली है 3 गुना ज्यादा। तो हम जीवन कभी इमली यूज ही नहीं करते, बचपन किया था, आज जिसको खाना होता खाता है, हमारे पास आता है। और काफी लोग आते हैं कि यार बहुत महंगा है, कुछ गरीबों के लिए करो, तो गरीबों के लिए मैंने भंडारा करके रखा है। अगर किसी के पास पैसा ना हो बाय चांस और उसको लगता है चाट महंगी है और मेरे हाथों से खाना चाहते हो, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, पहले मेरी जानकारी ले लेना, उसके बाद कमेंट करना और आ जाना, उसका कोई चार्ज नहीं, विद फैमिली के साथ मेरी तरफ फ्री रहेगा। मेरा नंबर है 8175909000। कमेंट करने से पहले इस नंबर को जरूर लगाना, जानकारी पूरी ले लेना, हम कहाँ बैठते हैं, बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे कमेंट किया, काफी लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, उनको कुछ आता पता नहीं है, अता पता नहीं कि अंडू है कि बधिया है, क्या पता नहीं उनको, बस कमेंट झोंक दिया धर के। तो आज मैं अपनी पहली बार 1 साल के बाद मैं अपने ऑफिस में बैठे हैं और हमारे साथ में आज सोशल मीडिया के हमारे मैनेजर भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप आइए और लोगों को रिप्लाई दीजिए, क्या रीजन है आपकी चाट महंगी क्यों। हमारे इस वीडियो को देख कर कमेंट करेगा तो उस कमेंट की रिप्लाई हम जरूर देंगे और हमारे चैनल पे वो कमेंट पड़ेगा। आप खाना क्या चाहते हो, आपकी च्वाइस है। चाहे तो 11 स्टार में बैठो, चाहे तो 5 स्टार में बैठो और चाहे तो टपरी में बैठो, दाल वही रहेगी, रह की टेस्ट उससे अच्छा रहेगा। तो आदमी की हनक जो होती है ना, हनक वो महंगाई बढ़ाती। तो हम महंगाई नहीं बढ़ाते, महंगाई जो है आप बढ़ाते हो, हम महंगाई नहीं बढ़ाते, आपकी च्वाइस रहती। आज 5 स्टार में जा रहे खाना खाने के लिए, तो जैसे तुम लोकेशन में जाओगे ना वैसे तो जाएंगे, समझ लेना पहले बार। टपरी खाओगे तो आदमी देखता है यार कार से गए, अगर कहीं ठेले बता से खा लिया तो 10 रुपये की 6 मिलते हैं, सुनो मेरी बात कान में, 10 रुपये की 6 अच्छा बना। लेकिन वो शर्मा तो यार मैं ठेले खा रहा हूँ, मेरे पास तो गाड़ी है। हमारे वहां तो हनक जमाता है, गजब आप तो रेल कैफे गए, तनिया क्यों बाहर चढ़ा जाता, कितने खाए, अरे 50 रुपये प्लेट, ठीक है। बेहतर वो भी बनाता है, बेहतर हम भी बनाते हैं, बस कुछ क्वालिटी का खेल है और कुछ लोकेशन का खेल है। महंगाई कोई नहीं बढ़ाता, ना सरकार बढ़ाता, हमारी च्वाइस है महंगाई बढ़ाने की। जब हम चलते ना, हम कभी कभी साकिस जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये तो चाट के साकिस जा, कभी कभी हम कार से जाते हैं, हमारा भौका अलग चैट रहता है तो लोग ठोकते सलाम। तो भैया जब टपरी खाओगे तो सलाम नहीं ठोकेगा, जब BMW लेके जाओगे तो सलाम ठोकेगा। तो महंगाई जो बढ़ी है ये आपकी वजह से बढ़ी है,
कोई महंगाई नहीं बढ़ा। पहले 12,000 मोबाइल था, अभी लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो महंगाई कौन बढ़ाता? चॉइस तुम्हारी है। चाहो तो मोबाइल से काम कर सकते थे, मोबाइल नहीं था तब भी काम अच्छा होता था। आदमी की जो चॉइस है वही महंगाई बढ़ाती है। पहले साइकिल थी, फिर स्कूटर चाहिए, फिर मारुति चाहिए, BMW चाहिए, आज सब हवाई जहाज के सपने देख रहे, तो महंगाई कौन बढ़ाए? दोष देते हम सरकार के ऊपर, आज ये महंगा है वो महंगा, तो कुछ भी महंगा नहीं। महंगाई तुम्हारे भेजे में घुसी है, है? और घुसी रहेगी, जब तक तुम्हारी च्वाइस खत्म नहीं होगी तब तक महंगाई बरकरार रहेगी और बढ़ती जाएगी। चलिए बाय बाय, आज निकलते हैं और 2025 में फिर रिप्लाई देने के लिए हम आएंगे, इतना समय नहीं रहता मेरे पास है। तब तक गेंद उछालो और खेलो है, और महंगाई 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 गीत गाते रहो, ठीक है? चलिए बाय बाय।